और अब जो है मुश्किल से एक घंटा ही मार्केट खुला रहेगा, तो जल्दी से चलते हैं और खरीदारी कर लेते हैं। तो पहुंच गए मार्केट और यहां पर चल रही है खरीदारी। हमको ठोक दिया है दोनों भाई मिलके। तो बाबू को जो है अनंत पहनाया जाएगा। तो बाबू का पहला अनंत पूजा है यह। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी कल है अनंत चतुर्दशी की पूजा और अनंत चतुर्दशी के लिए जो है हम लोग को तैयारी करना है। बस बात क्या हो गई है कि बारिश बहुत तेज हो गई है, इस बारिश की वजह से जो हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए और एक दिन पहले सन पापड़ी सब खा लेना चाहिए। मजे में खाओ, क्योंकि पनीर सारा खा चुके, थोड़ा सा तुम्हें नीचे छोड़े। आप हम क्या खाए? आप ही खाए, हम खोले देखी था। तुम खाइए बस, ना मेला लगा। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जी। आप लोग तो वीडियो देखते हैं, व्यू अच्छा देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और कब से हमारा जो है 295K 296K इसी सब पर अटका हुआ है। हाँ जी, तो जल्दी से आप जो है 300K कर दीजिए। लेकिन होता ही नहीं, अगर आप लोग चाहोगे तो एक दिन में हो जाएगा। यहाँ हमारा लग गया जी नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में आज है या चूड़ा फ्राई और साथ में मखाना, और उसके अलावा जी पीछे मूवी लगा करके रखे हुए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट कल ही देखे थे, उसे पहले भी देख चुके थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे ताकि जो सेकेंड पार्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आए। One hour later. और बारिश का सिलसिला जो है अभी भी जारी है, कोई बात नहीं, बारिश पड़ते रहे। वैसे मौसम जो है बारिश होने के बाद जो है अच्छा हो गया है, तो बारिश होना भी थोड़ा जरूरी था। बारिश से मिली है अब थोड़ी राहत, बारिश खत्म हो चुकी है और अब बारी है मार्केटिंग की। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:45, तो शाम तो नहीं बोलेंगे, अब तो रात ही हो चुका है। और अब जो है मुश्किल से एक घंटा ही मार्केट खुला रहेगा, तो जल्दी से चलते हैं और खरीदारी कर लेते हैं, वरना फिर कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा और सुबह में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा खरीदारी करना। तो पहुंच गए मार्केट और यहां पर चल रही है खरीदारी। और सेब का जो रेट है 100 रुपया किलो है, जो कि नॉर्मल 80 रुपया हुआ करता था। तो हाँ, तो पर्व है, तो पर्व को लेकर के सारा रेट जो है भाग चुका है। नारियल भी ले लेना है, यहीं से ये नहीं लेना है। अच्छा, हमको लगा इसका भी जरूरत होगा। आधा किलो रेट जब घटेगा तब लेंगे एक किलो। नहीं, घर में है, वैसे पूजा के लिए बस ले रहे ना। पूजा के लिए आई है तो घर में है, रख दो इसमें। एक दर्जन ले लो। सीधा लेना खीरा, खीरा इधर मिल जाएगा। आगे है जी रॉन्ग साइड, है साइड जाना होगा, आगे से शायद कोई ना कोई तो रास्ता होगा। और बाकी इधर पानी देख ही सकते हैं कितना जमा हुआ है, भर भर के पानी है। खीरा तो इधर नहीं दिख रहा, चलिए कोई नहीं, अब सही साइड हो जाते हैं। अभी तक हम थे रॉन्ग साइड, खीरा का भी रेट होगा आज अच्छा से। खीरा इधर मिल जाएगा सर। अब लेना है जी हम लोग को खीरा, तो यहाँ आ गए हैं लेने के लिए। खीरा तो वैसे सही लग रहा है, तो अभी खीरा का रेट है जी 50 रुपया किलो, जो भी हमें लग रहा है उतना भी ज्यादा नहीं है, पहले भी यही था। इसलिए किलो ले लेते हैं, सलाद के भी काम आ जाएगा, कुछ प्रसाद के काम आ जाएगा। एक किलो देंगे, हो गया। अब सीधा अनंत लेना है, केला भी। चलो अब ले रहे हैं जी यहाँ पर अनंत, ये वाला देखना बच्चों के लिए अगर मिल जाए, क्रियांश के लिए अलग से छोटा वाला। बच्चा सबके लिए है छोटा वाला ले लो, क्रियांश के लिए छोटा सा अनंत हमें मिल गया है। बाकी सब ले लो, 8 ले लो सर, एक सा ही लग रहा है कोई। सुपारी हो गया, केला लेना है। चलो ये आधा दर्जन ले लो, आज केला है 100 रुपया दर्जन, जो कि नॉर्मली 50 रुपया 60 रुपया से हुआ करता था या 40 रुपये। फल की तो खरीदारी हो गई जी, अनंत भी हमने ले लिया, बस बारी है मिठाई की। और मालूम चला कि यहाँ पर जो एक भाई साहब का दुकान है, वह कहे कि आपका वीडियो देखते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है ना? कहे कि हाँ जी हमारा यूट्यूब चैनल है। तो अच्छा लगा जी, यहाँ भी अपने सब्सक्राइबर मिल गए, तो जाते हैं जल्दी से जाकर के मिठाई लेते हैं। हमको ठोक दिया है दोनों भाई मिलके। बहुत ही सही जगह पर हम लोग मिले हुए हैं, चलते हैं। ठीक है, चलो बाय।
अभी आए हुए हैं जी यहाँ पर मिठाई लेने के लिए। भैया आधा के जी क्या बंद होने वाला था सब? अच्छा बहुत ही अच्छे टाइम पर आई है। उसे निकलते पहले ही बारिश की वजह से अंदर ही थे सर। तो भी क्या उसी में रख लेगी क्या? और यहाँ पर चल रहा है जी मैच। हमें तो आज ध्यान भी नहीं था कि इंडिया अफगानिस्तान का मैच है, क्योंकि कल जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार गई और हमारे फाइनल में पहुँचने का उम्मीद खत्म हो गया था, तो उसके बाद से तो भूल ही गए थे कि एशिया कप है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब घर पहुँचते हैं और मैच देखते हैं। कोई कुछ भी हो मजा तो आता है ये देखने में। पूजा के लिए सारा सामान लेती आए और फैमिली पहुंच गए हैं घर और अब बारी है पेट पूजा करने की। समय भी हो चुका है अच्छा खासा, अभी बज रहे रात के 9:30, तो इस समय हम लोग का खाना पीना हो जाता है, चलेंगे अपना सोने। The next day. उठ गए जी सुबह सुबह, हो गया हमारा स्नान और अब बारी है पूजा की। हाँ जी बगल में मंदिर है, हनुमान मंदिर है, वहीं पर जा रहे हैं। वहीं पर पंडित जी भी आ चुके हैं और सारी सामग्री लेकर के जा रहे हैं। पूजा का थाल सजा हुआ है, ठीक है दे दिया था हमको पूजा का थाल जल्दी से। पहले कुल देवता को प्रणाम करो यार। हाँ वो कर लेते हैं। हो गई अनंत पूजा, प्रसाद भी चढ़ा दिया गया है पंडित जी के द्वारा और अब चलते हैं। सभी मोहल्ले के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, चलते हैं घर। अनंत बांध के प्रसाद ठीक ये रख लो। अनंत बांध दो और प्रसाद। तो बाबू को जो है अनंत पहनाया जाएगा, तो बाबू का पहला अनंत पूजा है यह। पूरा लगाने नहीं देता है टीका। टीका लग गया इसके पूरे ललाट पे। बाबू ये अनंत बांधना है अनंत। ओए बाबू चलो अच्छा है, इसको चुप करने का भी अच्छा टेक्निक है, कैमरा सामने ला चुप हो जाता है। तो बाबू का जो है अनंत बंध चुका है। बाबू क्रियांश, ओए क्रियांश बंध गया ना? बोले मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने देता मम्मा को। हो गया? हाँ हो गया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा पतला सा हाथ है ये देखो, अनंत है बड़ा सा। कितना प्यारा लग रहा है क्रिया, छोटा वाला अनंत नहीं है तब। अब ना छोटू से पिद्दी सा अनंत आना क्रियांश के लिए, स्पेशल क्रियांश के लिए है ना, है ना राजा। हाँ निन्नी छब नहीं आता ना आपको? निन्नी छब नहीं आता ना? आता है। पूजा पाठ तो हो गया, प्रसाद भी हो गया, अब बारी है पेट पूजा की। तो आज क्या बन रहा है आंटी? दीदी बोली है क्या आज अनंत चतुर्दशी है ना, खीर पूरी बनना चाहिए। खीर पूरी बनना चाहिए। अच्छा हाँ, खीर दीदी बना रही है नीचे। तो नीचे में दीदी खीर बना रही, चना आलू की सब्जी बरसा बना के चली गई। देसी चना? हाँ देसी चना। चलो मजा, इसमें देसी चना की सब्जी बरसा बना के चली गई नहाने। अब बारी है कचौड़ी। अच्छा अब कचौड़ी का तैयारी मेरे जिम्मे है। अच्छा कचौड़ी का तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है तुम करो और खुद के रख देते हैं, जब सब तैयार हो जाएगा खाने के लिए तलना शुरू कर, उसी समय तल जाएगा। ठीक है अब तुम्हारे पोता को जाके नहा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय भी हो गया है, वो भी आनंद बांधेगा ना। तो यहाँ पर जी अब चल रही है खाने की तैयारी और पूरी जो है लगभग उसका लोई सब देख रहे हैं बन के तैयार है, बस तलना बाकी है। हम अपना थाली लेकर के बैठते हैं। अंतिम सब कुछ दे दिए हैं, गरम गरम खाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही बात है, इसलिए तुम अपना थाली लेकर के बैठे। और यहाँ सब्जी भी तैयार है जी, मेरा मन पसंदीदा सब्जी है यह। और इधर है खीर, गुड़ वाला खीर है, यह हमारा गुड़ वाला खीर। हमारा खाना लग गया है जी। तो यहाँ पर है पूरी और साथ में जैसा कि आपको दिखाया था खीर है और साथ में देसी चना और आलू का सब्जी। तो जल्दी से इसको खाया जाए इससे पहले कि पूरी ठंडा हो जाए।
हमारा तो खाना हो गया, बारी है मम्मी पापा के खाने की। हाँ, अनंत पूजा के अवसर पर खीर पूरी खाना बना है, बनता ही है हम लोग के यहाँ। घर पर तो और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बाहर में है तो छोटा मोटा। घर पर तो पुआ भी बनता है। पुआ भी बनता है। मेरे दरवाजे पर ही खानदानी पूजा होती है हमारे ससुराल में, जहाँ मेरा ससुराल जहाँ लेकिन रहते वही मेरा घर है। नोहाटा में भी होता था जब तक हमारे ससुर जी जिंदा थे, मेरे ही दरवाजे पर होता था। लेकिन अब वो जिंदा नहीं है तो पता नहीं आप कहाँ मनाते हैं। उस बात तो है नहीं कौन। तो जिया भी अपना खाना खा रही है, तो कैसा लगा था खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिया रूम में बैठकर अपना खा रही है, मोबाइल भी चला रही थी साथ साथ, मोबाइल साइड में रख लिया। बाबू सो रहा है, इससे पहले कि उठ जाए खा लेना ही बेहतर होगा। और आप नीचे जाके सो जाते ताकि बाबू डिस्टर्ब नहीं करे? हम नीचे जाके इसलिए सो जाते हैं ताकि उठ के बाबू को खिला सके। अगर मेरा नींद नहीं पूरा होगा तो फिर बाबू को खिलाएंगे कैसे? चाहिए।